मेरा नाम अजीज है। एक साल पहले मेरा अपेंडिक्स ऑपरेशन हुआ था, जिसमें मेरा 2.5 लाख रुपए खर्चा आया था, जिसकी रसीद इस फाइल में मौजूद है। 2.5 लाख रुपए मैंने कैसे जमा किए थे ये मैं और मेरा खुदा जानता है। मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। बाद में मुझे पता चला कि मेरा अपडेट तो हुआ ही नहीं, लेकिन खुदाया इंसाफ कीजिए, मेरे साथ मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ इंसाफ इंसाफ। पेट का दर्द लेके मैं हॉस्पिटल गया था। इन्होंने कहा तुम्हें अपेंडिक्स का मसला है, फौरन निकलवाओ नहीं तो मर जाओगे। 3 दिन मुझे हॉस्पिटल रखा गया, मेरे पेट के ऊपर चीरा लगा के टांकों से जोड़कर लौटा दिया गया। और अब मुझे पता चला कि पैडस का तो मसला था ही नहीं। प्लीज मुझे इंसाफ चाहिए। हाँ गुलजार भाई, जल्दी वीडियोस आ गई। बस देख लें, मैंने एक दफा लोगों को कॉल करके वीडियोस बनाने का कहा और वो तो जैसे तैयार बैठे थे, फौरन मुझे वीडियोस आने लग गई। अभी तो और आने वाली हैं, लोगों में बहुत गुस्सा है। सब सबको कहो कि अपने फेसबुक प्रोफाइल से सारी वीडियोस अपलोड करते जाए। वक्त आ गया है कि हम शौकत खान पे पहला वार करें। डन। ये अस्पताल नहीं है, एक कसाब खाना है, या इंसानों की हड्डियों और बोटियों के साथ खेला जाता है। पेट दर्द लेकर अपेंडिक्स केस बनाकर लिटा दिया जाता है और फिर ये अपनी चीर फाड़ शुरू कर देते हैं। मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। बाद में मुझे पता चला कि मेरा अपडेट तो हुआ ही नहीं। क्या चल रहा है? जाली ऑपरेशंस का राज खुल गया खान साहब। लोग सोशल मीडिया पे वीडियोस डाल रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है? कल रात से अब तक 10 वीडियोस आ चुकी हैं और ये 10 लोग उन्हीं में से हैं जिनका जाली ऑपरेशन हुआ है। टीवी चैनल्स वाले भी इस बात को उठा रहे हैं और थोड़ी देर तक तो ये खबर हर तरफ होगी। मैंने कहा था ना ये सामने आएगा, और 10 लोगों का एक साथ इंटरव्यू, इसका मतलब है ये प्लान है और इसके पीछे गुलजार का हाथ है। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? फौरन हॉस्पिटल फोन करो और जितने ऑपरेशन के शेड्यूल्स हैं सब कैंसिल करो। और हाँ, डॉक्टर्स को भी लूप में लो और उन्हें कहो कि अपना मुंह बंद रखे। मैं वकील से बात करता हूँ। देखिए ईडियट जुमेरात और जुमा 8 बजे, क्योंकि मैं ग्रीन हूं।